उत्तरी भारत में हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत पति की सुख समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए बड़ी श्रद्धा और उत्साह से रखती हैं। वैसे तो यह विवाहित स्त्रियों के लिए ही जरूरी माना जाता है, लेकिन अब कुछ अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की इच्छा से यह व्रत रखने लगी हैं। आइए जानें इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। फैक्ट नंबर 1, करवा चौथ में करवा का अर्थ जल रखने के लिए मिट्टी से बने एक छोटे से पात्र से है और चौथ से अर्थ कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। फैक्ट नंबर 2, ऐसी मान्यता है जब पांडव विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए थे तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी, इस पर श्री कृष्ण ने उनको इसी तरह के व्रत को करने का आग्रह किया। फैक्ट नंबर 3, करवा चौथ के व्रत का और रबी की फसल की शुरुआत का लगभग एक ही समय होता है, तो ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना है। फैक्ट नंबर 4, सत्यवान सावित्री की कहानी काफी लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के बाद जब यमराज उसे लेने पहुंचे तो सावित्री ने उसके पति को जीवन दान देने की भीख मांगी। जब यमराज ने मना किया तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। इस पर यमराज ने उसे बोला कि तू इसके अलावा कुछ और भी मांग सकती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवन दान देने की इच्छा व्यक्त की। अंततः यमराज को सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, करवा चौथ के व्रत में सर्गी की प्रथा भी देखने को मिलती है। इसमें सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले खाने के अनेकों व्यंजन देती हैं, जिन्हें केवल तारों की छांव तक ही ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।